Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss this example, this question asked by student in a chat box. That's why we are discussing the solution of this question. So let's see how to solve this example. Here to solve this Laplace inverse, we firstly separate this term using partial fraction method. So here our term is one upon s raised to the power four plus pi square s square.

क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ए एक स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसमें b का वैल्यू जीरो हो सकता है c का भी वैल्यू जीरो हो सकता है बस a को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो यस yes, ये एस स्क्वेयर मतलब क्या है वन एस स्क्वेयर सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस ब्रैकेट टर्म इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू सेपरेट दिस टर्म हियर The partial fraction method says that we have to take S, A, A, S plus B divided by first quadratic equation. Plus second quadratic equation. So it is C S plus D divided by S square plus pi square. Now here cross-multiply this term or here 1 upon s raised to the power 4 plus. तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ है राइट साइड में हमने पार्शल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया नाउ इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म देन वी गेट दे एस प्लस बी इंटू एस स्क्र प्लस पाई स्क्वेयर प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वेयर और यहाँ पे जो निटेड टर्म है इट इज ए बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से दो डिविजन आएगा एस स्क्र इन ब्रैकेट एस स्क्र प्लस पाए वो इस लेफ्ट हैंड साइड के डिवीजन के साथ में कैंसल आउट होता है सो क्रॉस मल्टीप्लाई सो डिविजन का लेफ्ट और राइट right साइड का टर्म सेम सो वो हो जाएगा कैंसल आउट सो वी गेट वन इज इक्वल टू दिस टर्म नाउ इस टर्म को मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो ए वन इन ब्रैकेट ए एस से मल्टीप्लाई करना है तो इज ए एस क्यूब

कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं लेफ्ट साइड और राइट right साइड के कांस्टेंट को इक्वेट तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है वन और राइट right साइड में देखो जिसमें एस कंटेंट नहीं है ऐसा टर्म मतलब क्या होगा कांस्टेंट तो so यहाँ पे ये जो टर्म है ना बी पाई स्क्वेयर इसमें एस नहीं है तो ये होगा बी पाई स्क्वेयर और कोई टर्म है जिसमें एस नहीं है नो सो फ्रॉम दिस टर्म वी गेट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू वन अपॉन पाई स्क्र तो ये हो गया हमारा बी का

स हि एस पाई स्क्र एंड लेफ्ट हैंड साइड जीरो सो हियर ए इज इक्वल टू जीरो जब हम क्विपिशन को इक्वेट करते हैं एस के तो ये एस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहती है दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू ए पा स्क्वेयर सो डिवाइड बाय पाए स्क्र सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए जीरो नाउ नेक्स्ट इक्वेट द कोपिशन ऑफ एस स्क्वेर सो एस square का क्विपिशन तो लेफ्ट हैंड साइड में एस square कंटेन नहीं है दैट्स वाई जीरो इक्वल्स टू राइट साइड में s square यहाँ पे दैट इज ए बी देन s square का टर्म है हेयर दैट इज ए प्लस डी सो जब कोई को इक्वेट कर रहे हैं तो वो वेरिएबल यहाँ पे लिखते नहीं सो हेयर बी इज इक्वल टू माइनस डी दैट मीन्स अगर बी इक्व टू माइनस डी है तो बी का वैल्यू पुटअप कर दो तो इज इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन पाई स्क्र क्योंकि हमने B का वैल्यू निकाल के रखा है तो B का वैल्यू अगर इसमें कर दोगे, तो माइनस अगर एस क्यूब का एस क्यूब तो का टर्म नहीं है दैट्स वाई जीरो इन द राइट हैंड साइड एस क्यूब कंटेंट टर्म इज हियर फर्स्ट टर्म and this cs cube that means it is a a plus c put the value of a a is our 0 so we get c is equals to 0 so here we get a, a is our 0 s plus b b is our 1 upon pi square divided by s square plus c so value of c is 0 cs plus d

तो so, दोनों भी टर्म में वन अपॉन पा स्क्वेर कंटेन है इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं नाउ अप्लाई ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ना उसका लैपलास इनवर्स चाहिए तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट कर वी हैव टू अप्लाई द लैप्लास इनवर्स बोथ साइड सो ये

बता दिया है उसका प्ले लिस्ट आपको लैप्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको चेक करो ताकि आपको अगर मोर वीडियोस देखना होंगे इस टाइप से कि एग्जांपल्स ऑन लैप्लास इनवर्स तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे अब देखो ये जो है Square, कौन सा फॉर्मूला होता है साइन ए टी बस वहां चाहिए जो कि नहीं है तो हम क्या करते हैं उससे डिवाइड सो इट फॉर्मूला ऑफ साइन पाई टी इज बाईज फाइनल आंसर थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब